तो इस वीडियो में हम जानने वाले कि जाति कैसे बना सकते हैं एंड जाति में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरीके से अपलोड करेंगे और पीडीएफ कैसे बनता है, वो सभी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एंड हम किस तरीके से इजीली बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जाति बनाने के लिए आपके पास केवाला होना चाहिए एंड एक आधार कार्ड होना चाहिए आपका एंड फोटो होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट है तो आप इजीली बना सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ में अपलोड करना होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। तो कैसे हम कंप्यूटर से जाति बनाएंगे, तो चलिए हम इसमें जानते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो जाति है उसको हम किस तरीके से अपलोड किए हैं, इसके अंदर जो पीडीएफ हम बनाए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जाति का जो है कि केवाला है, केवाला में जाति लिखा होना चाहिए, आपकी जाति से वो जाति दर्शाना चाहिए। अगर जाति दर्शाया हुआ नहीं रहेगा तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आधार कार्ड है एंड अगर हमारा पहले से जाति बना हुआ तो इसलिए हमने अपलोड कर दिया, नहीं रहता तो हम छोड़ भी देते, बट हम अपलोड कर दिए तो आपके केस में अगर होगा तो अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एक फोटो हमारे पास, ये फोटो होना चाहिए। तो अभी से हम अपलोड कैसे करेंगे और कैसे ऑनलाइन करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे आपको सर्च करना होगा RTPS, जो कि बिहार के लिए RTPS जाना जाता है। तो इस तरीके से साइट ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सम्मान प्रशासन विभाग लिखा हुआ है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जाति पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा अंचल लेवल पे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बोला जो भी डिटेल है उसको भरने के लिए, तो जैसे कि जनरल में आ गया तो यहाँ पे हम प्रूफ डाल सकते हैं। उसके बाद अभिवादन में हम सिरी डाल देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेम बोला, तो हमें यहाँ पे जैसे नेम डालेंगे वो हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा अगर हम यहाँ पे स्पेस दबाते हैं। उसके बाद फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम, अगर किसी लेडीज का बना रहे तो यहाँ पे हस्बैंड नाम डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा अस्थाई पता, यानी कि परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि अगर वो एक ही जगह पे होता है तो दोनों में सेम एड्रेस रह जाएंगे, लेकिन अगर किसी का शादी हो जाता है और वो दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे में क्या होता है उसका जो इसमें जो परमानेंट एड्रेस होगा वो उसका जो भी उसका घर होगा जहां पे वहां का देना होगा, मतलब उसका मायके का देना होगा एड्रेस, तो उसका जहां पे घर होगा वो डालना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे इसका पूरा डिटेल भर सकते हैं, जैसे स्टेट हो गया, जिला हो गया, प्रखंड हो गया, अनुमंडल हो गया, किस जगह से, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत, नगर निगम है, वार्ड नंबर कितना वो डालना होगा। उसके बाद इसका ग्राम, थाना, डाकघर, पिन कोड, ये सभी डालना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऊपर के जैसा, मतलब अगर उनका दोनों जगह का सेम एड्रेस होगा तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे हमें परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। जैसे कि अगर किसी का शादी हो गया तो वो जहाँ पे भी आए हैं वहां का एड्रेस, यानी कि करेंट एड्रेस बोल सकते हैं या प्रेजेंट एड्रेस बोल सकते हैं, वो जहाँ पे हमें उनका पूरा डिटेल भरना होता है। उसके बाद यहाँ से हम आएंगे फोटो को अपलोड कर देंगे, जहाँ पे भी ये सादा फोटो है इसमें साइज नहीं होना चाहिए और देख सकते हैं फोटो का साइज बोला कि 20 KB से कम है तो इसको हमको बढ़ाना होगा। तो बढ़ाएंगे कैसे, तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं रॉयट का, क्योंकि ये फोटो कंप्रेस करने के लिए बहुत अच्छा है कि हम इजिली कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं एंड देखते हैं। ये देखिए ये 17 KB का है और ये 24 KB का हो गया, तो इसको हम बढ़ा के कम से कम कर देते हैं 47 KB एंड इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम सेव कर देते हैं। तो रॉयट का यूज करके आप इजिली कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है या नहीं, देख सकते हैं इजिली ले लिया। उसके बाद बोला है यहाँ पे पैसा, प्रोफेशन, मतलब आप किस कैटेगरी से आते हैं, स्टूडेंट है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, या एक बिजनेसमैन है, गृहिणी है, क्या है, तो जो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे, तो चलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट डाल देते हैं एंड यहाँ पे आप बोला कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूची, अनुसूची जनजाति, तो वो यहाँ पे आपको डाल देना। उसके बाद आप जो जाति आपका है, जो जाति है वो यहाँ पे डालना होगा कि आप किस जाति से आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी जाति यहाँ पे डाल देते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे बढ़िया डाल देंगे एंड उपजाति में भी बोला कि आप किस उपजाति से आते हैं, तो अगर आपके उपजाति भी होंगे तो उसको भी डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा भर के प्रोसीड करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे पूरा फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम स्टेट चूज कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिए हैं जो कि हमारा परमानेंट एड्रेस है और वही मेरा करंट एड्रेस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को एक जैसा रखने के लिए हमने यहाँ पे सेम एड्रेस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सेम एड्रेस आ चुका है। तो हमने यहाँ पे फोटो अपलोड कर दी, सारा यहाँ पे हमने डिटेल भर चुके हैं एंड यहाँ पे हम इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसका कैप्चा डाल देते हैं एंड उसके बाद यहाँ से हमें प्रोसीड कर देना है। सारा चीज सही है तो हम ओके कर देते हैं एंड अगर आप इसमें ज्यादातर टाइम लगाएंगे तो ये फिर जो है कि रिडायरेक्ट हो जाएगा, ये काम होगा नहीं, लॉग इन लॉग आउट हो जाएगा, तो इसलिए इसको फास्टली आपको करना होगा। तो देख सकते हैं मेरा हो चुका है। हम यहाँ पे एक बार डिटेल को देख लेंगे कि सारा डिटेल सही है, सही है तो हम यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे अटैच एनर्सरी पे क्लिक करके एंड यहाँ पे आप बोला डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट में हमें यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करना होगा एंड चूज फाइल पे आएंगे और हमारा जो भी फाइल है जैसे कास्ट पीडीएफ है तो हम इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे पीडीएफ आ चुका है, अब यहाँ पे सेव एनर्सरी पे हम क्लिक करेंगे।
अब देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है, तो यहाँ सारा डिटेल सही है। अब हम यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब ये मेरा यहाँ पे प्रिंट आउट आ चुका है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है ये आ चुका है। तो इसको क्या करेंगे, जो अगर कस्टमर का बनाते तो प्रिंट करके देंगे कंट्रोल पी करके, अगर नहीं है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पीडीएफ, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे अभी आपको लोकेशन पे रखना है इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी का भी जाति बना सकते हैं, वो भी इजिली, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताया इनका इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये रिजेक्ट होने के भी कम चांसेस होते हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है या आपको जल्दी चाहिए तो फिर आप अपना ब्लॉग जा सकते हैं और कुछ पैसे उन लोगों को दे सकते हैं, वो तुरंत करके देंगे, क्योंकि पैसे के दम पे ही सारा चीज होता है।